Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see third party situation mein kya scene chal raha hai and what you can expect when this person will contact you. So जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पाइल्स हैं, इनमें मेडिटेशन कर लीजिए आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके एंड लेट्स सी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट विद द थर्ड पार्टी. द फर्स्ट वन इज दिस पिंक फ्लावर, सेकेंड वन इज दिस क्रिसेंट मून. ओके, थैंक यू सो मच. हाई, वेलकम बैक. पाइल नंबर वन, जिन्होंने भी ये पिंक फ्लावर चूज़ किया था तो डेफिनेटली दिस पर्सन फेवरेट कलर इज पिंक और ग्रीन, या ऐसा हो सकता है. इनको फ्लावर्स रखने का बहुत शौक होगा अपने बालकनी में, उनके गार्डनिंग करना, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है इस इंसान को. ओके, तो डेफिनेटली अगर आपसे रेजिनेट हुआ तो डेफिनेटली बताइएगा. तो इस इंसान का फीलिंग थर्ड पार्टी की तरफ क्या है आप देख सकते हो. फर्स्ट कार्ड इज क्यूरियस इन रिवर्स, ये बंदा बिल्कुल ही डिसइंटरेस्टेड है. आप देख सकते हो कार्ड रिवर्स में है. ओके, ये इंसान कुछ भी नहीं जानना चाहता, ना थर्ड पार्टी के फेसबुक पे जाएंगे ना कहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं जानना इनको. दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी डिसइंटरेस्टेड, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में ही आया था, उस डेक में रिवर्स में ही पड़ा हुआ था. ओके, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट थर्ड पार्टी, यहाँ पे वही दिख रहा है. और अगर आपकी तरफ फीलिंग्स की तरफ देखें तो शैटर्ड, तो दिस पर्सन इज़ हैविंग लॉट ऑफ ड्रिंक्स, ठीक है, दारू पी रहे हैं बहुत ज़्यादा, शैटर्ड हैं, ये बॉटलें नीचे डाल के फोड़ देते होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है. दिस पर्सन इज़ हैविंग लॉट ऑफ पेप्सी, और जो बाहर से खाना होता है वो सब अंटे शंटे चीज़ें खा रहे हैं, शैटर्ड हो गए हैं बिल्कुल. दिस पर्सन इज़ क्राइंग हो गई, आपके लिए रो रहे हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी के सिचुएशन में. आगे चलते हैं टैरो की तरफ और देखते हैं कि और क्या आता है. नाइट ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं इस रीडिंग पे सबसे ज़्यादा, ठीक है. आपके पास दो एसेस है, क्या बोलूँ मैं, व्हाट शुड आई से. दो एसेस मीनिंग ही न्यू बिगिनिंग है आपका. डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ लव. दिस पर्सन आपके लिए रोते हैं. ओके, इनके माइंड में बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स है. जैसे एक होता है ना, एक होता है इमोशनल बॉन्डिंग और एक होता है फिजिकल बॉन्डिंग, एक मेंटल बॉन्डिंग. तो इस इंसान को इमोशनल बॉन्डिंग आपसे ज़्यादा फील होता है. ओके, दिस पर्सन वॉन्ट टू Have a passionate encounter with you, क्योंकि ace of wands है यहाँ पे, या फिर किसी creative project के through आपके साथ काम करना चाहते हैं जिससे कि आपके साथ साथ रहें. हो सकता है आप दोनों ही creative projects करते हो, कुछ YouTuber हो या फिर Instagram में कुछ करते हो, तो ये आपके साथ collaborate करके आपके साथ रहना चाहते हैं. बट यहाँ पे third party पूरा आप पे चेक ऑन करता है, शायद आप दोनों को चेक ऑन करता है, ये इस इंसान को पूरा चेक करता है. क्यूरियस इन रिवर्स है ना, या फिर दोनों ही एक दूसरे को चेक ऑन नहीं करते हैं क्योंकि इनको अब कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से शायद, ठीक है. तो दिस पर्सन वॉन्ट टू टेक यू समवेयर, कहीं घुमाने फिराने. दिस पर्सन वॉन्ट टू टेक यू कहीं पर भी हो सकता है. ओके, जहाँ पर थोड़ा सा ठंडी एरिया हो सकती है, ये दे वॉन्ट टू ट्रैवल विद यू समवेयर. सो डेफिनेटली दिस पर्सन फील्स अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. ओके, आपको बहुत ज़्यादा ईगल दिख सकते हैं. बैक साइड में बहुत झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब थर्ड पार्टी इनसे बहुत झगड़ता है. थर्ड पार्टी एक मदर भी हो सकती है, क्योंकि ये मॉमी एंड एक गर्ल है जो लड़ रहे हैं, ठीक है. तो हो सकता है कि इनकी मदर हो या फिर कोई और हो सकता है, संबड़ी, क्योंकि यहाँ पर दो एसेस हैं. हो सकता है कि ये फायर साइन के साथ डील करो और आप पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो. एनी विच वेज नाइट ऑफ कप्स है, तो ये एक्शन ओरिएंटेड है यहाँ पे, ठीक है. एक्शन लेगा ये, क्योंकि नाइट है ना, नाइट हमेशा एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं. मैसेजेस आ सकते हैं, कम्युनिकेशन आ सकता है, बातें हो सकती है आप दोनों की. दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर. उसके अलावा ब्लाइंडेड टू पेन. ओके, तो थर्ड पार्टी हो सकता है हल्का फुल्का मैजिक कर रहा हो, छोटे स्पेल्स करता हो. नंबर 13 है, 13 इज़ अ ईविल नंबर, इट्स नॉट अ वेरी गुड नंबर, क्योंकि 13 नंबर मीन्स भूतों का नंबर होता है. तो अगर आप किसी भी होटल्स में चले जाएं, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. किसी घर का टोटल नंबर 13 है तो वो अच्छा नहीं है, हमेशा वहाँ पे गलत एक्टिविटीज़ होते रहेंगे, गलत सोच होगी हमेशा, दूसरों को ट्रबल करना चाहते होंगे. ओके, तो ये इंसान पे छोटा छोटा मैजिक, छोटे छोटे स्पेल्स, छोटे छोटे होते हैं ना कुछ कुछ, ये टोटके फोटके वो सब करती होगी, ये करता होगा जो भी है. तो ये हमेशा ब्लाइंडेड रहे इस इंसान के साथ, ठीक है, या फिर ये पेन में रहे, ऐसा थर्ड पार्टी करता है.
दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर. उसके अलावा है लेट लव ग्रो, बट दिस पर्सन वॉन्ट टू ग्रो विद यू, ग्रो ओल्ड विद यू, ग्रो दिस लव विद यू. नंबर 14, 13, ये स्पेल काम नहीं कर रहा. तो ये जो बैक साइड में गाना चल रहा है, मे भी हो सकता है कि ये गाना ये सुनता हो आपके लिए. ठीक है, नंबर 14 है, 13 के बाद 14 है, तो ये स्पेल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इंसान अब ग्रो करना चाहता है आपके साथ. ओके, लोवेरिया है यहाँ पे. सो ये दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं. तो दिस पर्सन वांट टू हग यू, टेक यू समवेयर, वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, समथिंग लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे जर्नी. तो डेफिनेटली आप दोनों का साथ में जर्नी है. कहीं घूमने फिरने की बात मैंने बोली थी, तो यू कैन टेक अ जर्नी टुगेदर. 24 है, 24 इसकी एज हो सकती है, 14 इसका बर्थडे, 13 इसका बर्थडे, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं. या ही विल टेक यू कहीं पे, जर्नी पे जा सकते हो आप दोनों साथ में. आप दोनों का स्पिरिचुअल पाथ है, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर. के पर्सनल मैसेजेस की तरफ चले, आ कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी. तो इसको अफेक्ट करती है ये सारी बातें, आप दोनों के बीच में जो भी बातें हैं उसको अफेक्ट करता है आपका कनेक्शन. वो दिखाता नहीं होगा मे बी, बट उसको अफेक्ट करता है. ग्रास वॉजन ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जहाँ पे भी ये गया है थर्ड पार्टी में, वहाँ पे कोई खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं. इसने आपको शो किया हो सकता है कि ये बिग डील नहीं है इसके लिए आपका रिलेशनशिप, आप दोनों का. बट ये एक्टिंग जो भी करता था, इसको लगता था कि ये बिग डील नहीं है आपका सेपरेशन, बट इसको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो रहा है इस बात से. ओके, नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग यू आर द बेस्ट थिंग एवर हैपन टू मी. आप ही बेस्ट हो, बेस्ट एंड बेस्ट हो, वो उसको दिख रहा है अभी. और मेक थिंग ऑल राइट बिटवीन अस. तो ये इंसान अपोलॉजी, सॉरी, सब कुछ बोल सकते हैं. आई वांट टू टच यू. सो आपके बीच में फिजिकल इंटीमेसी ऑलरेडी हो चुका होगा, या फिर नहीं हुआ होगा. दिस पर्सन वांटेड टू टेक यू समवेयर, ही वांटेड टू हैव अ फिजिकल इंटीमेसी विद यू. ओके, ही वांटेड टू टच यू, होल्ड यू, होल्ड योर हैंड्स, दे वांटेड टू कैरेस यू, ऑल दिस थिंग्स, आपके सर पे हाथ रखना, ये सारी चीज़ें दिस पर्सन वांटेड टू डू इट. ओके, कब तक ये कॉन्टैक्ट कर लेंगे? विद इन अ फ्यू मंथ्स. तो कुछ महीनों में इनका कॉन्टैक्ट आ सकता है मोस्ट प्रॉबेबली. इस इंसान को अपनी तरफ लाने के लिए विंड्स ऑफ डिसायर है. लॉर्ड कृष्णा को आपको ऑफरिंग्स देना चाहिए. लड्डू चढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि इनको बहुत पसंद है मीठी चीज़ें. या फिर दूध में बनाना को कट करके आप इनको ऑफर कर सकते हैं, चीनी डाल के. इनको बहुत पसंद होता है वो सारी चीज़ें. ओके, या फिर गौ माता को आपको खाना खिलाना चाहिए. विंड्स ऑफ डिसायर है, तो डेफिनेटली श्री कृष्णा के कुछ सोत्र होते हैं, वो आपको सुनना चाहिए. वो यूट्यूब में है, तो उनके कुछ सॉन्ग्स होते हैं वो आप सुन सकते हैं, जिससे कि इस इंसान के माइंड में थोड़ा सा शांति आए और वो थर्ड पार्टी से हट के आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश करे. ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे थर्ड पार्टी सिंगल है मुझे लग रहा है प्रॉपरली. ओके, ऐसा दिख रहा है. ऐसा नहीं है कि वो इन्वॉल्व है वहाँ पे, ठीक है. बट थर्ड पार्टी मे बी आप दोनों को बहुत ज़्यादा चेकआउट करते हैं कि आप दोनों कर क्या रहे हो. मे बी अगर आप लाइव स्ट्रीम्स आते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो नोट कर रहे हैं. ओके, सो ये कीजिए, इससे ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे. थैंक यू सो मच. चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ. हाई, वेलकम बैक पाइल नंबर 2. जिन्होंने भी क्रिसन मून चूज़ किया, क्रिसन मून के दिन ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इनको मून देखने का बहुत शौक होगा, स्पेशली क्रिसन मून. इनके हाथ में एक टैटू हो सकता है क्रिसन मून का, फिंगर्स पे या फिर हाथों पे कहीं पे हो सकता है. ओके, या फिर मून के साइकिल्स के टैटू हो सकते हैं, इसको कहीं पे भी हो सकता है. ओके, आजकल तो कहीं पे भी करा लेते हैं, राइट. तो इसको मून वॉच करना बहुत पसंद होगा, ठीक है. आपको पसंद हो सकता है मून के थ्रू आप कनेक्टेड हो, मीन्स जब आप मून देख रहे हो उस टाइम वो भी देख रहा होगा, ऐसा हो सकता है. अगर आसपास रहते हो आप, या फिर दूर भी रहते हो, जो भी है. देखिए, थर्ड पार्टी इनके साथ सपने सजा रहा है एंड मोमेंट तक रहने के लिए. लव आ गया ना यहाँ पे. ये इंसान इन एंड आउट करता होगा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. दिस इज़ नॉट लाइक पाइल नंबर 1. ये इंसान बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इनको पूरा पूरा लव स्पेल करता होगा मेरे ख्याल से, फुल टू, कि ये कहीं और जा ना पाए. ओके, ये इनके साथ मैरिज एंड करना चाहते हैं अपना लाइफ पूरा. बट यहाँ पे चेंज आ गया है, एक्सपेक्ट अ चेंज. यहाँ पे बटरफ्लाई है ना, आपको बहुत बटरफ्लाइज दिखेंगे. ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ लेना चाहते हैं. ओके, बट थर्ड पार्टी इनको छोड़ नहीं रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े लव स्पेल में हो सकते हैं, या फिर तांत्रिक के पास जाते होंगे. ये दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है, मुझे लग रहा है. ठीक है, तो आपसे रेजोनेट हुआ तो बताइएगा. बट इसका न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, तो न्यू बिगिनिंग लेना चाहता है. इसकी फीलिंग्स की बात करें तो आपके पास है 3 ऑफ कप्स,
थ्री ऑफ वॉन्ट्स, 333 नंबर आपको हर जगह दिखेगा, 777 भी दिख सकता है, 888 की गाड़ियाँ मैरून कलर की आपको हर जगह दिखेंगी जहाँ जहाँ जाएंगे। 8 नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। और यहाँ पे अगर सन साइंस की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे हैवी है इस रीडिंग पे। दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। ठीक है, थ्री ऑफ कप्स है, दिस पर्सन थर्ड पार्टी में है 100%। ठीक है, इन्होंने आपको गोस्ट किया हो सकता है, इन्होंने आपको साइडलाइन किया हो सकता है, एक साइड पीस बना के रखा हुआ, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जब इनका दिल करता है तो ये आ जाते हैं, जब इनका मन नहीं है तो ये बात नहीं करेंगे, बोर हो जाएंगे या फिर ऐसे बोल देंगे कुछ कुछ आपको कि आप दूर हो जाए। थ्री ऑफ कप्स है यहाँ पे, दिस पर्सन वांट टू डू फ्रेंडशिप विथ यू। नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग वहाँ पे स्पेल हो रहा है, इसको खुद से पता है कि वो बंदी या बंदा स्पेल कर रहा है इस पर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करता होगा शायद, हो सकता है ऐसा, आपको याद करके आपके यादों में लेटा रहता होगा बेड में हमेशा 24/7, उठता ही नहीं होगा। ठीक है, उसके दोस्त उसको धक्का मार मार के उठाते होंगे, उठ जा खाना खा ले, खाना नहीं खाता होगा, रोता रहता होगा। आप दोनों को साथ में रोना आ सकता है, इन द सेंस कि अगर दोपहर में आप बैठे हो अचानक से उसकी एनर्जी आ गई तो आपको रोना आ जाएगा, उसको भी आ रहा होगा, दोनों रो रहे होंगे साथ में मिलके, ऐसा हो सकता है। थ्री ऑफ कप्स है ना, इसीलिए तो ये इंसान आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ गाला टाइम चाहते हैं, घूमने फिरने जाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, ऑल दीज थिंग्स। अदरवाइज थ्री ऑफ वॉन्ट्स के साथ दिस पर्सन वॉन्ट टू टच द सक्सेस लैडर्स विद यू, मीन्स आप दोनों एक ही ऑफिस में हो सकते हो, एक ही वर्क प्लेस पर काम करते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। और इसमें तीन लड़कियाँ इंटरेस्टेड हो इसके ऑफिस में, ये सब वर्क स्पेस की बात कर रहा है, कोई ऐसे नहीं है कि हो सकता है कुछ लोग आस पास रहता हो, कुछ लोग ओनली फॉर फ्यू पीपल, बट मोस्ट प्रॉबली वर्क स्पेस की बात करता है थ्री ऑफ वॉन्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आप इसका वेट कर रहे हो कि कब आएगा कब आएगा, तो वेटिंग पीरियड छोड़ दीजिए, ही विल कम, डोंट वरी। थ्री ऑफ वॉन्ट्स ये आप, ये आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, देख रहे हो आप, थ्री ऑफ वॉन्ट्स है। दिस पर्सन इज मेकिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, आपकी तरफ ही आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे घर है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग ले आपके घर के आसपास रहता हो, या फॉरेन कंट्री से भी NRI हो सकता है। सेवन ऑफ सॉरी, ये भाग जाता है, आता होगा फिर 7 मंथ्स बाद गोस्टिंग, 7 डेज बाद, 7 वीक्स बाद गोस्टिंग। इन एंड आउट रिलेशनशिप है ये फुल्ली कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पे स्पेल बार बार होता है कंटिन्यूसली थर्ड पार्टी की साइड से। शायद थर्ड पार्टी तीन लेडीज़ के साथ या औरतों के साथ मिलके ये स्पेल करते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये बार बार आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर, इसने कभी अपने शैडो सेल्फ पे काम ही नहीं किया, इस बंदे ने कभी नहीं किया इसने। ठीक है, या इसके अंदर फियर हो सकता है कि ये तीनों मिलके इसको जेल में डाल देंगे, समथिंग लाइक दैट, या ये तीनों मिलके इसको एक्सपोज कर देंगे कहीं पे भी, आपके पास आके या जो भी है, ठीक है, एक्सपोज कर देंगे तीन लड़कियाँ। ये तीन लड़कियाँ लाइव स्ट्रीम पे भी आती होंगी इसके बारे में पूछने के लिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स है ना, इसीलिए ये भाग जाता है, इन एंड आउट करने वाला बंदा है, कभी नहीं रुकता होगा, ये रुक ही नहीं सकता, ये इसके इसके इसको बांध रखा है, लव बाइंड किया हुआ है कि ये आएगा तो भी ये भाग जाएगा थोड़े दिन के बाद। गिल्डेड रिग्रेट 5 नंबर, चेंज आने वाला है इसकी लाइफ में। ठीक है, इसको बहुत रिग्रेट है, आप दोनों का यूनियन नहीं हुआ, या फिर लड़ाई हो गई आप दोनों की, या फिर बात नहीं हो रही, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ रिग्रेट्स अबाउट दिस रिलेशनशिप, सोचते होंगे सुबह सुबह घर में घुसते ही आपके बारे में सोचते होंगे। ठीक है, या फिर ऑफिस से आ रहे हैं तो आपके बारे में सोचेंगे सबसे पहले, ऐसा होगा। बट उसको रिग्रेट्स है कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं, इसने 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपको अब्यूज़ किया हो सकता है, इसने आपको बहुत गंदे वर्ड्स यूज़ किए हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी कुछ लोग, इसीलिए तो रिग्रेट आया है यहाँ पे, ऐसा पॉसिबिलिटी है आपको रुलाने के लिए। 19 नंबर 19 इसकी एज आपकी हो सकती है। फील लव एंड प्राउड, बट इसके मन में बहुत लव है आपके लिए। ठीक है, इसको प्राउड भी है जो भी आप कर रहे हो, अभी आप सक्सेस के लैडर पर चढ़ रहे होंगे मुझे लग रहा है, अपने प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनल लाइफ में, तो इसको बहुत प्राउड है। बेशक आपके बीच में बहुत ज़्यादा बातें हो गई है, स्टिल दिस पर्सन फील। नंबर 17 17 इसकी एज आपकी हो सकती है, दोनों स्कूल में हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी, कॉलेज का स्टार्टिंग हो सकता है आपका, आपके कॉलेज में हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी।
और इसमें बहुत सारी लड़कियां इंटरेस्टेड है, लड़के इंटरेस्टेड है, समथिंग लाइक दैट, या फिर ऑफिस में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, जो भी है। फ्रॉग है ये, फ्रॉग क्या होते हैं, वो जंप करते रहते हैं एक ही जगह से दूसरी जगह, तो इसका नेचर ऐसा है, एक से जंप करके दूसरी जगह जाएगा, दूसरे से जंप करके तीसरी जगह जाएगा। ही और शी विल बी ऑलवेज रनिंग हेयर एंड देयर। तो जब आप रात में निकल रहे हो तो आपको बहुत जगह पम्पकिंस दिख सकते हैं, सपने में आ सकते हैं, फ्रॉग्स दिख सकते हैं, कैंडल्स दिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बेस्ट टाइम बेस्ट चाहता है, बट कहीं ना कहीं ये फ्रॉग की तरह उछलता रहता है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी इसके पास, समथिंग लाइक दैट। ओके, मैसेजेस देख लेते हैं। देखिए, इसका बहुत ही मैनिपुलेटिव हिसाब किताब है ये बंदा ना, आप देख सकते हो। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो आपको हैप्पी देखना चाहता है, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे वो फ्रॉग हो, जो मर्जी हो। कर्मा इज़ अ बिच, आई फाइनली गॉट मैन। तो ये अगर थर्ड पार्टी में गया, इन तीनों लड़कियों ने या फिर तीनों लोगों ने इसको डिच कर दी, ये इसकी बहनें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, जो इसको इसका माइंड वॉश करती है, इसकी तीन बहनें हो सकती हैं, इसका ब्रेन वॉश कर देंगे ये तीनों के तीनों मिलके, कोई काम धंधा नहीं है इनको, ठीक है। तो इसको कर्मा मिल रहा है इस चीज़ का, जो भी इसने किया है आपके साथ, जो भी इसने बोला है, इसने वर्ड्स यूज़ किए हैं आपके साथ, डीमीन किया है आपको, आई फील बैडली फॉर द वे सी। अब वो थर्ड उसी उसी कार्ड के ऊपर आया है, तो इसको बहुत बुरा लगता है, इसने कैसे आपको ट्रीट किया है, वो डिज़र्व करता है ये सारी चीज़ें जो कर्मा उसके साथ हो रहा है। एवर सिंस आई मेट यू नोबडी इज़ वर्थ थिंकिंग ऑफ, तो जब से ये मिला है आप ही के बारे में, 24/7 आप इसके दिमाग में चलते होंगे, आपके स्टोरीज चेक करता होगा, आपको DM में नकली ID से बात करता होगा आपसे। आई मीन आई कांट बिलीव इट, दिस बॉय हैज़ क्राइड ओवर यू, ठीक है। तो आप दोनों साथ में मिलकर रो रहे हो, ऐसा हो सकता है जब आप रो रहे हो, आपको रोना आ रहा है, किसी को याद करके आप रो रहे हो, सपोज आप किसी को याद कर रहे हो, आपको रोना आ रहा है, तो उसको भी रोना आ रहा होगा उस वक्त, ठीक है, तो वो रोता है आपके लिए, दिस गर्ल क्राइज फॉर यू। ओके, सो हो सकता है कि इसके किसी फ्रेंड ने, मतलब इसका कोई तीन दोस्त हो सकते, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये तीनों ने मिलके कांड किया, या फिर इसका एक दोस्त हो सकता है जिसने बार बार इसको बोला हो कि आपको बुली करने के लिए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। थर्ड पार्टी मीन्स फ्रेंड्स भी हो सकते हैं सारे के सारे, ये तीनों एक ही बाइक में घूम रहे होंगे हमेशा, वापस भी एक ही साथ आ रहे होंगे, आपने देखा होगा, वॉन्ट बी विद यू फॉर एवर, इसको आपके साथ रहना है, बट इसका ब्रेन वॉश करता है कोई, यहाँ पे बार बार यही मैसेज आ रहा है। तीन बहनें, तीन दोस्त, तीन फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये, ठीक है, तीन लोग हैं यहाँ पे टोटल। कब तक कॉन्टैक्ट करेंगे, टुमारो? ये इंसान रेडी रहता है आपसे बात करने के लिए, ठीक है, इसको आपसे कल ही बात करनी, तो कल इसका मैसेज आ जाएगा। कुछ भी कॉल आ सकता है, इसका कॉल आ रहा होगा, कल रात को 3-4 बार आया होगा, अभी आने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट टुमारो कल कर लेगा मैसेज, आपसे टॉक कर लेगा, या फिर ऐसे ही नॉर्मली मिस कॉल मार देगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ रेडी पर्सन, ऐसा नहीं है पाइल नंबर वन की तरह मंथ्स नहीं लगाएगा, फॉल्स ईगो, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बहुत ईगोइस्टिक इंसान है, ये हमेशा ईगो की सुनता है, तो इसको उन सब चीज़ों पे वर्क करना है। वो कैसे आएगा मेडिटेशन से, मे बी शायद ये बंदा नहीं करता है मेडिटेशन, तो भगवान जी यहाँ पे खड़े हैं और सब लोग भगवान जी के सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली विष्णु भगवान जी को बुलाना है, जैसे फर्स्ट में उनके अवतार को बुलाना है, बट यहाँ पे आपको डायरेक्टली विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी, यहाँ पे वो चल रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पे अमृत बांटा जा रहा है सबको, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ये इसके तीन तिगाड़ा दोस्त यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, भूत बन के, और बाकी सब भगवान जी हैं, ठीक है, इसके कुछ अच्छे भी दोस्त हैं, देर आर लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है, तो ये तीनों खड़े हुए हैं, ठीक है, झूठ बोल के कि मुझे भी अमृत दो, मुझे भी अमृत दो, मीन्स इसके साथ इसको ब्रेन वॉश करते हैं, मैंने बोला ना यहाँ पे वाटर है, तो कोई ना कोई यहाँ पे है ब्रेन वॉशिंग पीपल, डेविल है ये सारे के सारे, और इस तरफ भगवान जी है, बहुत सारे अच्छे दोस्त भी हैं इसके, ठीक है, तो आपको सिर्फ विष्णु भगवान जी को बुलाना है, जैसे आप बुलाएंगे तो ये इंसान आपको कांटेक्ट कर लेंगे, एंड यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। वैसे तो ये टुमारो कांटेक्ट कर लेंगे आपको, दिस पर्सन विल स्पीक टू यू, मीट यू समवेयर, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपसे रेजिनेट हुआ होगा, इफ़ यू रिक्वायर अ पर्सनल रीड, डेफिनेटली यू कैन गो हैड एंड गो फॉर दैट। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चाओ।